हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ फिर से नया वीडियो, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ टॉप 10 न्यू ट्रिक्स। सो हमारा आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला, वीडियो में बहुत सारी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर 1 से। और हमारी ट्रिक नंबर 1 को करने के लिए आपको आना है क्लॉक टावर पे। तो यहाँ पर आपको पहले सिंपली इस तरह से एक लॉन्चपैड को सेट करना है, फिर आपको इसको यूज कर लेना है। तो उसको इस तरह से लॉन्च पैड को सेट करने के बाद यहाँ पर आपको लेयर पे और मिनिमाइज पे दोनों पे एक साथ टैप कर देना है। तो जैसे आप दोनों पे एक साथ टैप करोगे, फिर आप गेम को खोलोगे, आप चले जाओगे इन डब्बों के अंदर, जैसे कि मैं इसके अंदर आया हूँ। और इसके अंदर आने के बाद आप जो है पूरे के पूरे यहाँ पर हाइड हो जाओगे, पूरे यहाँ पर इनविजिबल हो जाओगे, और अंदर बैठकर आपको कोई भी नहीं मार पाएगा, कोई भी किल नहीं कर पाएगा। बाकी अगर आपको किसी को किल करना है, फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा, फिर आप किसी को भी इजिली यहाँ से किल कर सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ना है ट्रेनिंग ग्राउंड पे। तो यहाँ पर आपको जाना है इस वाले सेक्शन पे। सो यहाँ पर आपको पहले तो इनहेलर बहुत सारे बाय करने हैं, फिर आपको जाना है पर ग्लू स्कूल में। और ग्लू स्कूल में जाने के बाद आपको जाना है इस ब्लू वाले बॉक्स में। और यहाँ पर आपको पता है कि नॉर्मली जब भी हम इस रेड जोन से बाहर जाते हैं, हमें कितना ज्यादा डैमेज पड़ता है। तो जैसे आपका ये टाइमर खत्म हो जाए, ऊपर आपको ये एग्जिट का बटन दिखेगा, सामने रोबोट होगा, आपको तुरंत से एग्जिट पे टैप कर देना है। सो जैसे आप एग्जिट पे टैप करोगे, ये जो रोबोट है आपको एक गोली मारेगा, मतलब आपका 20 यहाँ पर डैमेज आएगा। फिर आपको बस यहाँ से चले जाना है सिंपली यहाँ पर कंबार जोन में। और कंबार जोन में आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप यहाँ पर आओगे कोई भी आपको छू भी ना पाए, मतलब आपको जो है कोई भी गोली ना लग पाए। तो सेफ से भी आपको आना है, फिर आपको फिर सिंपली बहुत सारे इनहेलर्स को यूज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, बट ध्यान रहे कोई भी आपको डैमेज ना दे पाए। तो फिर आप जैसे बहुत सारे इनहेलर यूज करोगे, फिर आपको बस थोड़ा सा डैमेज खाना है, किल बिल्कुल भी नहीं होना है। आप चाहो तो ग्रेनेड से डैमेज खा सकते हो, चाहो तो एनिमी से डैमेज खा सकते हो, बट किल नहीं होना है। फिर आपको चले जाना है वापस यहाँ पर टारगेट रेंज में। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर सिंपली ग्लू स्कूल में। तो जैसे आप ग्लू स्कूल में आओगे, फिर से यहाँ पर सेम करना है, मतलब इसको ट्रेनिंग को यहाँ पर स्टार्ट कर देना है। तो जैसे भी इसको स्टार्ट करोगे, आप देखो यहाँ पर क्या होगा। नॉर्मली जब भी आप इस रेड जोन से बाहर जाते हो, आप 3 सेकंड भी नहीं टिक पाते हो, 3 सेकंड क्या 2 सेकंड में आपका काम जो है तमाम हो जाता है। बट यहाँ पर देखो मैं कितने ज्यादा टाइम तक जिंदा रहा हूँ। और नीचे देखो मेरा जो हेल्थ है माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है। और ये सभी आपका इनहेलर्स का कमाल है, जो कि आपने वहां पर यूज किए थे, कंबार जोन में यूज किए थे। सोचाते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ना किसी भी जिपलाइन के पास, यहाँ पर आपको सिंपली पहले नेट को ऑफ करें, फिर आपको हाथ में लेना है ग्रेनेड को। सो फिर यहाँ पर नेट को ऑन करें, और फिर बस यहाँ पर आपको जो है फायर पे टैप टैप करते जाना है, ग्रेनेड को यूज करते जाना है। सो जैसे आपका पिंग नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपको जाना है जिपलाइन के पास, और जिपलाइन के पास जाने के बाद इसको सिंपली यहाँ पर यूज कर लेना है। और फिर आप जैसे जिपलाइन को यूज करोगे, आपका ये वाला ग्लिच हो जाएगा, आपका कैरेक्टर यहाँ पर जिपलाइन को तो यूज करेगा, बाकी इसके हाथ पूरे नीचे रहने वाले, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखता है। और ये वाला ट्रिक जब आप फ्रेंड को दिखाओगे, वो यहाँ पर पूरा का पूरा सरप्राइज होने वाला है। तो फ्रेंड को सरप्राइज करने के लिए आप इजीली इस वाली ट्रिक का यूज कर सकते हो। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको ना यहाँ पर क्लॉक टावर पे। तो इस वाले घर के पास आपको ना यहाँ पर इस वाले दीवार के ऊपर आपको इस तरह से ग्लोवल को सेट कर देना है। सो ग्लोवल को सेट करने के बाद आपको इस साइड में आना है, फिर आपको चढ़ना है डब्बे के ऊपर, और फिर यहाँ से आपको जो है सिंपली जंप करना है ग्लोवल के ऊपर। सो जैसे आप ग्लोवल के ऊपर आ जाओगे, यहाँ से और एक जंप करना है, फिर आप इस हाउस के ऊपर चले जाओगे, और जो भी ऊपर बंदा रहेगा उसको आप इजिली किल कर सकते हो। और ये जो ट्रिक है 2 सेकंड में हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा ईजी है, तो एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि कोई यहाँ पर ट्रिक करके ऊपर आ रहा है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको जाना है पर टारगेट रेंज में। वैसे आप चाहो तो इस वाली ट्रिक को मेन गेम में क्लासिक लिस्ट कॉल कहीं भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको चाहे सबसे पहले एक स्नाइपर, आप चाहो तो AWM या कोई और भी ले सकते हो। सो इसके बाद क्या करना है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको इसको हाथ में लेना है, फिर आपको फिर फायर पे और यहाँ पर फिस्ट वाले बटन पे दोनों पे एक साथ टैप करें, फिर आपको तरह से टैप करें यहाँ पर क्राउच वाले बटन पे। तो जैसे इस तरीके से आप करोगे, यहाँ पर आपका ये वाला ग्लिच हो जाएगा, आपका कैरेक्टर इस तरीके से अपना फिस्ट रखेगा, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखता है। बट इसके स्टेप्स अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसके स्टेप्स थोड़े से हार्ड है, तो ध्यान से देख लेना अच्छे से आपको ये वाली ट्रिक को करना है। तो एक बार में हो सकता है कि आपका ट्रिक ना हो, आपको 2-4 बार करना पड़े, फिर आपका ट्रिक हो जाएगा। और अगर आप रन भी करोगे, फिर आपका कैरेक्टर यहाँ पर मतलब अपना फिस्ट जो एक ही जगह पर रखकर रन करेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखता है। तो इस तरह से इस वाली ट्रिक को भी यूज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की ओर। सो हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है रिमनाम विलेज के पास, इस वाले घर के पास आपको आना है। फिर यहाँ पर पहले आपको एक ग्लोवल को सेट करना है,
और यहाँ पर आपको ये वाला हाउस जो मिलता है, इस वाले हाउस के ऊपर आपको और एक ग्लू वॉल को सेट करना पड़ेगा, फिर आपको जाना है इस वाले हाउस के ऊपर। तो जैसे इस वाले हाउस के ऊपर आओगे, फिर आपको यहाँ पर आना है बालकनी में, और यहाँ से आपको जंप करना है और इस वाले ग्लू वॉल के ऊपर चले जाना है। तो यहाँ पर आपको और एक जंप करना है, फिर आप आ जाओगे इस वाले हाउस के ऊपर, और एक जंप करना है, फिर आप इस वाले लास्ट वाले हाउस के ऊपर आ जाओगे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ पर ग्लू वॉल पे चढ़ना है। ग्लू वॉल पे चढ़ने के बाद आपको पहले अच्छे से एम को सेट करना है। देखो मेरे दोनों नोबड़े फ्रेंड नीचे गिर गए। सो पहले आपको अच्छे से एम को सेट करना पड़ेगा, फिर ही आपको जंप करना है। और जैसे आप जंप करोगे, आप आ जाओगे इस वाले पेड़ के ऊपर, फिर आपको धीरे धीरे ऊपर चले जाना है। और जैसे भी इस वाले पेड़ के ऊपर आओगे, फिर आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, कोई भी किल नहीं कर पाएगा। तो आप जो इजिली यहाँ से कैंप वगैरह कर सकते हो। और यहाँ से आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पर इमनाम विलेज देखेगा, तो कोई भी एनिमी यहाँ पर होगा उसको आप इजिली किल कर सकते हो। बाकी नीचे इस तरह से नहीं आना, जो हम ट्रिक यूज करते हैं उसी को यूज करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको आना है कॉस्मिक रेसर में। तो यहाँ पर आप चाहो तो फैक्ट्री के पास इस ट्रिक को कर सकते हो, चाहो तो कहीं और भी कर सकते हो। तो पहले आपको सिंपली जंप करना है, थोड़ा सा एक्सेलेटर को आपको दबा देना है, फिर आपका इस तरह से ये वाला जो है जहाज उसके ऊपर चला जाएगा। फिर आपको जंप करना है, सेपरेट पे टैप करना है, और यहाँ पर एक्सेलेटर को भी दबा के रखना है। और फिर आपका यहाँ पर जहाज है, बाइक है, पता नहीं क्या है, तो जो भी है ये पूरा यहाँ पर रॉकेट बन जाएगा, पूरा हवा में उड़ जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया दिखता है। और इस तरह से जमीन पर चलने वाली गाड़ी को यहाँ पर हवा में भी उड़ा सकते हो। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको जाना है पानी में। तो पानी में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको पहले तो इस तरह से खड़ा होना है, स्केटबोर्ड को यूज करें, फिर यहाँ पर क्रोनो को यूज कर लेना है। फिर आपको इसके ऊपर एक ग्लू वॉल को सेट करें, चाहो तो दो भी सेट कर सकते हो। और इसके बाद जैसे आप ग्लू वॉल के पास जाओगे, आप जो है पूरे के पूरे ग्लू वॉल के आर पार निकल पाओगे। और ये जो आपने अभी अभी यहाँ पर एक ग्लू वॉल को सेट किया, अभी आप चाहो तो इसके ऊपर और भी ग्लू वॉल सेट कर सकते हो, मतलब जितने चाहो उतने ग्लू वॉल सेट कर सकते हो। आपका जो करेक्टर है हर एक ग्लू वॉल के आर पार यहाँ पर निकलने वाला है, मतलब बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, पूरा हैकर की तरह ग्लू वॉल के आर पार निकल पाओगे। और ये वाला ट्रिक आप जो है फ्रेंड को भी इजिली दिखा सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको चाहे इनहेलर, पहले आप ट्रिक को देख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस वाली ट्रिक को कैसे करना है। सो यहाँ पर देखो मेरा जो कैरेक्टर है पूरा का पूरा यहाँ पर मतलब विंडो के आर पार निकल रहा है, हैकर की तरह जंप बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। सो ये वाला ट्रिक जो है बहुत ही ज्यादा ईजी है, आप भी इसको ईजिली यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करें, यहाँ पर जंप पे और यहाँ पर इनहेलर पे, दोनों पे आपको एक साथ टैप कर देना। अगर आपका ट्रिक नहीं हुआ, फिर आपको पहले इनहेलर पे, फिर थोड़ा सा रुक के, मतलब थोड़ा सा रुक के जंप पे टैप करना है। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली ट्रिक की। और हमारी नेक्स्ट वाली ट्रिक को करने के लिए आपको चाहे सबसे पहले एक फीमेल कैरेक्टर किसी को भी चूज कर सकते हो। सो इसको लेना है, फिर आपको जाना है वॉल्ट वाले सेक्शन में। और यहाँ पर जाने के बाद आपको पहले ये वाला इमोट भी चाहिए होगा, तो ये वाला इमोट आपको रखना है, फिर आपको जाना है वॉल्ट में। और ये वाले हियर आपको रखने, ध्यान से देख लेना इनका नाम वगैरह क्या है। तो इनको रखने के बाद आपको इस वाले इमोट को यूज करना, फिर बस अपने कैरेक्टर को एक बार 360 डिग्री यहाँ पर रोटेट करना है, और फिर इसके जितने भी बाल है वो यहाँ पर इसकी दाढ़ी बन जाएंगे। बाकी यही तक था हमारा आज का ये वाला वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।